हेलो फ्रेंड्स, मैं नवरत्राम लोडी और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अंबेडकर पीपल्स वॉइस को। दरअसल इस वक्त बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने 11 लोगों की जो सूची जारी की थी उनमें से एक उम्मीदवार को बदल दिया गया। जी हां, जिसका लगातार विरोध सामने आ रहा था। बाहरी प्रत्याशी के साथ साथ उन पर गलत जो आरोप लग रहे थे, शायद तमाम इन जो गलत छवि के तौर पर उनका पेश हो गया था, उनकी वजह से फतेहपुर सीकरी से बसपा ने अपना उम्मीदवार बदल दिया है। जी हां, ऐसी खबरें सामने आ रही है कि बहुजन समाज पार्टी ने इन वक्त पर यहां पर बहुजन समाज पार्टी ने अपने उम्मीदवार को बदल दिया है। जी हाँ, इससे पहले कि आप हम इस खबर पे पूरी बात करें, उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। आपको बता दें कि फतेहपुर सीकरी से पहले सीमा उपाध्याय को टिकट दी गई थी, लेकिन एन वक्त पर सीमा उपाध्याय की टिकट काट कर यहां पर नया प्रत्याशी राजवीर सिंह को बनाया गया था और उनके ऊपर आरोप लगे थे कि वो बाहरी प्रत्याशी है कार्यकर्ताओं के। इसी के साथ तमाम तरीके से सोशल मीडिया पर भी बीजेपी तरफ से ये भ्रम फैलाया गया कि जो राजवीर सिंह है, बीजेपी की तरफ से एक भ्रम फैलाया गया कि राजवीर सिंह जो है वो संविधान जलाने वाले जो लोग थे उनमें शामिल थे। लेकिन अब ये आपको बता दें कि कुल मिलाकर ये सामने आ चुका है कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से फतेहपुर सीकरी सीट के ऊपर अपना उम्मीदवार राजवीर सिंह को बदल कर यहाँ पर नए प्रत्याशी के तौर पर श्री भगवान को टिकट दिया गया है, जिसे उर्फ गुंडू पंडित के नाम से भी ज्यादा जाना जाता है। जी हाँ, श्री भगवान गुंडू पंडित के नाम से यहाँ पर इनको जाना जाता है और डिबाई से विधायक के तौर पर इन्होंने अपना करियर शुरू किया था। बहुजन समाज पार्टी के ही ये विधायक रहे हैं। इसके साथ समाजवादी पार्टी से भी इन्होंने चुनाव लड़ा था एक बार, लेकिन अनुशासनहीनता और पार्टी की गतिविधियों के कारण समाजवादी पार्टी ने इनको चुनाव से पहले काफी निकाल दिया था। उसके बाद इन्होंने बसपा से ही अपना करियर शुरू किया था और एक बार फिर इनकी घर वापसी होते हुए भगवान गुड्डू पंडित को यहाँ से टिकट दे दी गई है। डिबाई से ये बसपा के विधायक हुआ करते थे कभी, और फिर उनके ऊपर आरोप लगने की वजह से इनको पार्टी से निकाल दिया गया और ये अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल भी जारी नहीं कर पाए थे। लेकिन आपको बता दें कि फतेहपुर सीकर जो सीकरी की सीट है, ये कहीं ना कहीं गठबंधन के गले के फांस बनी हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब जाकर लोगों का यह कहना है कि स्थानीय व्यक्ति को अब टिकट मिलने की वजह से यहाँ पर बसपा वापस टक्कर में आ चुकी है। जी हाँ, यहाँ पर राज बब्बर ने फोरम भरा है, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है और अभिनेता भी माने जाते हैं। उन्होंने भी पहले दूसरी सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन एन वक्त पर कल उन्होंने फतेहपुर सीकरी से फोरम भर दिया था और शायद इसी वजह से बसपा ने यहाँ पर ये किसी भी हालात में ये नहीं चाहते कि बसपा यहाँ पर चुनाव हार जाए, क्योंकि राज बब्बर को इसी सीट पर किसी समय सीमा उपाध्याय ने चुनाव हराया था और उसके बाद पहले प्रत्याशी के तौर पर सीमा उपाध्याय को ही माना जा रहा था, लेकिन एन वक्त पर सीमा उपाध्याय ने मना कर दिया चुनाव लड़ने की वजह से। उसके बाद बसपा ने यहां पर राजवीर सिंह जो झुंझुनू राजस्थान के रहने वाले हैं और दिल्ली के अंदर एक मार्बल व्यवसायी है, उनको टिकट दिया गया था। लेकिन अब ये सामने आ चुका है कि यहां से गुड्डू पंडित उर्फ भगवान श्री भगवान को यहां से टिकट दिया गया है। जी हाँ, पूर्व विधायक रह चुके हैं डिवाइस से और लोगों का यह कहना है कि अब जाकर बसपा वापस कॉन्टेस्ट के अंदर आ चुकी है। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बड़ा दाव खेलते हुए और नामांकन के अंतिम दिन और आपको बता दें कि जो राजवीर सिंह है उन्होंने भी कल फोरम भर दिया था फतेहपुर, लेकिन उनको टिकट का जो भी फोरम दिया जाता है वो नहीं दिया गया था। लेकिन उन्होंने भी और पहली जो सूची आई थी 11 लोगों की, उनमें फतेहपुर सीकरी से राजवीर सिंह का ही नाम लिखा हुआ था, लेकिन अब ये फाइनल हो चुका है। ये इस खबर सामने आ रही है कि गुड्डू पंडित ने भी आज सपा गठबंधन के तत्वाधान में उन्होंने फोरम भरा। आप तस्वीरें अपनी साइड में देख पा रहे हैं, ये गुड्डू पंडित है जिन्होंने आज फोरम भरा फतेहपुर सीकरी से सपा बसपा गठबंधन के तहत। देर रात से ये चर्चा सामने आ रही थी कि गुड्डू पंडित को उम्मीदवार बनाया जाएगा और अब ये फाइनल हो चुका है। तो अब कुल मिलाकर जो लोगों के अंदर निराशा भाव जागे थे राजवीर सिंह के प्रति की संविधान, लेकिन हालांकि ये उनके ऊपर गलत छवि का आरोप लगाया गया था, किसी भी प्रकार का उनका इन चीजों से कोई लेना देना नहीं था, वो एक समाज सेवी और साधारण व्यक्तित्व थे, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी की जो तरफ से भ्रष्ट ये झूठी खबर फैलाई गई थी वो काफी ज्यादा मायने में वायरल हो गई थी और शायद यही वो वजह होगी। और स्थानीय कार्यकर्ताओं का जो लगातार विरोध झेल रहे थे राजवीर सिंह, अब उनकी जगह पर यहाँ पर गुंडू पंडित श्री भगवान को टिकट दे दी गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, इन वक्त पर टिकट बदल दी गई है। मिलेंगे किसी नई वीडियो नई अपडेट के साथ, अब तक आपसे लेते विदा, जय भीम, जय भारत। आप हमारे चैनल अंबेडकर पीपल्स वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए और पाइए हर वीडियो की नोटिफिकेशन।